हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एम वन का टर्म 5 दे रखा है और एम टू का टर्म 10 है। फिर कहता है इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है और फ्रिक्शनलेस पुली है और ये मूव करते हैं। तो ये 5 हो गया और ये 10 हो गया। अज्यूम कर लो कि मोशन डाउनवर्ड हो रहा है, ये टेंशन हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर एक फ्रिक्शन भी होना चाहिए जिस कोएफिशिएंट के टर्म यहाँ पे दे रखा है 0.15। ठीक है, फिर कहता है कितना अपन को वेट है ना m का टर्म, यहाँ देखो kg में लिखा हुआ है तो m ही फाइंड करना है। m2 के टॉप पे अपन रख दें ताकि मोशन क्या हो जाए, स्टॉप किया जा सके। तो पहले तो यहाँ से अपन टेंशन ले लेते हैं, उसके बाद इसको स्टडी कर लेंगे। सिंपल सा है, मोशन डाउनवर्ड जा रहा है तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1g है, माइनस ऑफ t हो जाएगा, इसको लिख सकते हो आप m1 into a। और स्टॉप से यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस है, ये कह सकते हैं अपन कि नेट फोर्स को जीरो लेने बोल रहा है या तो एक्सेलरेशन जीरो लेने बोल रहा है, डेट मीन्स ये होगा ही नहीं। और m1 into g बराबर हो गया t के मास है 5, तो ये आ गई आपकी 50 न्यूटन है ना। ये डायरेक्ट भी दिख रहा है कि t यहाँ पे 50 होगा, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 50 न्यूटन। अब इस पूरे रीजन का FBD अपन बनाते हैं। तो इसका FBD क्या कह रहा है बच्चों, देखो अच्छे से। लेट अस अज्यूम दिस इज अ फ्रिक्शनल सरफेस और इसके पास एक m2 का टर्म है और हमने सर पे इसके क्या रख दिया है m, ताकि ये मोशन करना बंद कर दे। मोशन नहीं करेगा इसका मतलब क्या समझा जा सकता है कि सर फोर्स ऑन x एक्सिस शुड बी जीरो, दैट मींस अगर यहाँ पर टेंशन है तो पीछे कितना होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए। पेपर हॉल में आपको डायरेक्ट लिखना है कि जो फ्रिक्शन है वो बराबर किसके होना चाहिए, टेंशन के। और फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन का टर्म होगा, वो बराबर हो जाएगा म्यू इंटू, आओ एन देखते हैं कितना होना चाहिए। एन का टर्म होगा बच्चों जितना भी डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो यहाँ फोर्स लग रहा है एम टू प्लस ऑफ एम टाइम्स ऑफ जी, तो आई विल बी कॉपिंग इट, ये हो जाएगा एम प्लस एम टू टाइम्स ऑफ जी और ये हो जाएगा आपका टी। अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो अपन इसको सीधा भी लिख सकते थे। म्यू का टर्म है यहाँ पे 0.15, छोटा वाला एम अपन को अननोन है, m2 का टर्म क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा है बच्चों 10 और यहाँ पर भी 10 है, इसको आप बोल सकते हो 50। कैंसिलेशंस करोगे और इस डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ पर भी एक 100 आना है। ये लिखा हुआ है 15m प्लस ऑफ 150 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 500 और अगर मैं m को चेक करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे, ये हो जाएगा 350 डिवाइड बाय 15। ये क्लोज क्लोज आने वाला है 23.3 kg और ऑप्शंस मैच करेंगे तो थोड़ा टाइपिंग का एरर है यहाँ पे, ये हो जाएगा 23.3। तो इतना मास बच्चों अपन को इसके सर पे रखना है ताकि इस मोशन को स्टॉप कराया जा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।